प्रिय विद्यार्थियों, MSW 01 समाज कार्य का उद्भव और विकास के दूसरे खंड में आपका स्वागत है। इसकी पहली इकाई है यूरोप इंग्लैंड में समाज कार्य का ऐतिहासिक विकास। इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात हम इंग्लैंड में समाज कार्य के ऐतिहासिक विकास को जान पाएंगे और समाज कार्य शिक्षा के विकास को रेखांकित कर सकेंगे। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि समाज कार्य का प्रादुर्भाव इंग्लैंड से ही माना जाता है, बाद में यह अन्य देशों में विभिन्न रूपों में विकसित हुआ। इंग्लैंड में समाज कार्य के इतिहास को मुख्यतः 6 भागों में बांट कर देखा जाता है। दान का युग, आवश्यकताग्रस्त व्यक्तियों की सहायता का काल, सामुदायिक सेवाओं के आधार पर सहायता का काल, श्रम कल्याण के आधार पर सहायता का काल, सुधारात्मक सेवाओं के आधार पर सहायता का काल और बेवरेज रिपोर्ट। अब हम लोग क्रमशः हर एक काल को चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसमें किस तरीके की सेवाएं प्रदान की जाती थी। सबसे पहला है दान का युग। जैसा माना जाता है कि ईसाई धर्म में निर्धन व्यक्ति की सहायता करना ईश्वर की कृपा समझा जाता है। सभी धर्मों में इस बात पर जोर दिया गया है कि दान पुण्य किया जाना चाहिए और निर्धन व्यक्तियों को दान देना पुण्य का काम समझा जाता था। धार्मिक संस्थाओं द्वारा भी ऐसे कार्य किए जाते थे। अन्य धार्मिक संस्थाओं, गिरजाघरों, मठों, अनाथाश्रम में लोगों की सेवा करना, उनकी सहायता की जाती थी। ईसाई धर्म को राजधर्म का स्तर प्राप्त होने के साथ साथ मठों में निर्धनों के लिए काफ़ी संस्थाएं स्थापित की गई, उनकी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति की गई, बेघरों को आश्रय प्रदान किए गए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसमें निर्धनों या जो भी सहायता प्राप्त लोग हैं उनकी सामाजिक दशाओं को बदलने के लिए कुछ नहीं किया जाता था, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता था। यह एक कमी इस समय हमें देखने को मिलती है। दूसरा काल है आवश्यकताग्रस्त व्यक्तियों की सहायता का काल। चर्च के काफ़ी प्रयासों के बावजूद भी गरीबों और बेसहारा की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि उन्हें केवल सहायता दी जाती थी, किसी भी तरीके उनकी उन्नति के लिए किसी भी तरीके के बदलावों को, सामाजिक आर्थिक बदलावों पर जोर नहीं दिया जाता था। इस काल में सुधार गृह बनाए गए, बहुत गरीबों की सहायता के लिए कर की व्यवस्था की गई, जिसमें एलिजाबेथ क्वीन के द्वारा बनाया गया एक सामान्य कर है। 1576 में सुधार गृह बनाए गए। 43A एलिजाबेथ कानून बनाया गया धनहीनों के लिए। निर्धन कानूनों की प्रशासनिक और व्यवहारिक कार्यविधि जांच करने के लिए राजकीय आयोग 1832 में बनाया गया। 1898 में जन स्वास्थ्य एक्ट की स्थापना हुई। 1844 में चार्टिस्टों ने पहला सरकारी भंडार खोला, जिसके मालिक श्रमिक थे। उन्होंने मजदूरों की शैक्षणिक, आध्यात्मिक, सामाजिक दशाओं में सुधार करने का काफ़ी प्रयास किया। इस काल की विशेषता यह है कि जैसे जैसे सामाजिक समस्याएं गंभीर होती गई, सामाजिक संगठनों ने भी सेवाओं में परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया। अब समूहों की सहायता व्यक्ति संगठित होकर करने लगे, जिससे समस्याओं के हल को खोजने में मदद मिली। इस प्रकार इंग्लैंड में आवश्यकताग्रस्त व्यक्तियों की सहायता उपयुक्त तो कानूनों और नियमों के माध्यम से अब सामूहिक कार्य के रूप में की जाने लगी। इंडिविजुअल अप्रोच से अब ग्रुप अप्रोच पे आने लगे। तीसरा काल है सामुदायिक सेवाओं के आधार पर सहायता का काल, यानी कम्युनिटी वर्क जैसा। 1886 में बीमार अपंग बच्चों के लिए एक सहायता संघ बनाया गया। 1906 में भोजन का प्रावधान अधिनियम बनाया गया। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना 1844 में हुई। अलोक क्लब की स्थापना 1860 में हुई। कॉमन समाज की स्थापना, सुविधाओं के लिए पार्क उद्यानों की स्थापना 1865 में की गई। 1908 में वृद्धावस्था पेंशन कानून पारित हुआ, जिसमें राष्ट्रीय पेंशन और निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की गई। 1909 में श्रम कल्याण अधिनियम पारित किया गया। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि विशेष तौर पर विशिष्ट समुदायों को ध्यान में रख कर के सेवाओं का प्रादुर्भाव हुआ। अगला है श्रम कल्याण के आधार पर सहायता का। जैसा नाम से स्पष्ट है, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई, इसलिए श्रमिकों की जो बेहतर ज़रूरतें थी, जो स्थितियां बनी, उसको लेकर के समाज कार्य में भी काफ़ी बदलाव इंग्लैंड में हुए। 1802 में स्वास्थ्य एवं सदाचार कानून बनाया गया। इस कानून के अंतर्गत दिन भर में 12 घंटे काम करना निश्चित कर दिया गया। 1833 में डाक कारखाना अधिनियम बना। उस समय कारखानों में 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराना वर्जित किया गया। कारखाना अधिनियम में सुधार करते हुए 1847 में आदेश जारी किया कि औरतें तथा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे
हर दिन अधिक से अधिक केवल 10 घंटे ही काम कर सकते हैं और इस समय निरीक्षकों की नियुक्ति भी केंद्र और राष्ट्रीय कार्यालय के अंतर्गत प्रारंभ कर दी गई जो इन सारी चीज़ों का ऊपर नज़र रखते थे। तो इस तरीके से श्रम कल्याण के आधार पर सहायता का काल बना। उसके बाद अगला है सुधारात्मक सेवाओं के आधार पर। अब जैसे हम लोगों ने देखा समाज कार्य के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, पिछली इकाई में हमने देखा, तो अब ये है कि सुधारात्मक करेक्टिव मेजर्स के ऊपर ध्यान दिए जाने लगा। श्रीमती एलिजाबेथ फ्राई नाम की महिला ने जेल के अंतर्गत बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य विद्यालय की शुरुआत की। बाल अपराधियों के सुधार हेतु 1912 में अधिनियम पास हुआ। इंग्लैंड में 20वीं शताब्दी के पूर्व समूह कार्य का उद्देश्य सामाजिक चेतना तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना था, परंतु 1920 के बाद इसका उपयोग व्यक्ति के व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन तथा उसके विकास के लिए किया जाने लगा। जैसा कि हमने चर्चा की कि ये इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि व्यक्ति में सकारात्मक परिवर्तन, समूह में सकारात्मक परिवर्तन हो और उसका विकास किया जाए। इस संदर्भ में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे। इसके साथ ही 1960 तक जो समूह कार्य शिक्षा प्राप्त थी उसमें व्यापक परिवर्तन हुआ और अनेक विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में समूह कार्य शिक्षा में तेजी से विस्तार हुआ। और अंतिम जो काल माना जाता है वो बेवरिज रिपोर्ट का माना जाता है। लॉर्ड विलियम बेवरिज की अध्यक्षता में एक सामाजिक बीमा और इससे संबंधित विभाग का निर्माण किया गया जिसे इंटर डिपार्टमेंटल कमीशन ऑन सोशल इंश्योरेंस एंड अलाइड सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। संक्षिप्त में इसे बेवरिज रिपोर्ट कहा जाता है। इन्होंने 5 कार्यक्रम बताए, 1 सामाजिक बीमा, 2 जन सहायता, 3 बच्चों के लिए आवश्यक भत्ते, 4 व्यापक निःशुल्क स्वास्थ्य एवं पुनर्वास सेवाएँ एवं पूर्ण रोजगार का अनुसरण। इन्होंने 4 बीमारियों की ओर या संकटों की ओर ध्यान आकर्षित किया जिसमें पहला था बीमारी, 2 अज्ञानता, 3 मलिनता और 4 निष्क्रियता। अतः इन्हीं परिवर्तनों के आधार पर द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट एक्ट 1975 में बनाया गया जो इंग्लैंड की जनता के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा के आयामों को प्रस्तुत करता है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इंग्लैंड में समाज कार्य शिक्षा का विकास निम्न तरीके से बताया जा सकता है। इंग्लैंड में समाज कार्य शिक्षा का प्रारंभ 1950 के पश्चात ही माना जाता है। 1950 में उनके द्वारा बनाई गई एक परिषद ने उपसमिति बनाकर उसे व्यक्तिगत समाज कार्य संबंधी परा प्रमाण पत्र के लिए पाठ्यक्रम बनाने की जिम्मेदारी दी गई। 1959 तक 24 समाज विज्ञान विभागों में से 6 विभागों द्वारा व्यावसायिक समाज कार्य के शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया। इसके पश्चात 1966 में यॉर्क यूनिवर्सिटी द्वारा सर्वप्रथम समाज कार्य के क्षेत्र में 2 शिक्षण को प्रारंभ किया गया जिससे व्यावसायिक समाज कार्य के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। एक आकलन के आधार पर 1975 तक इंग्लैंड के 35 विश्वविद्यालयों में सामाजिक प्रशासन एवं समाज कार्य के विभाग थे जिसमें समाज कार्य से संबंधित शिक्षण प्रशिक्षण कार्य किया जाता था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में अनेक विश्वविद्यालयों में समाज कार्य शिक्षण किया जाता है। सारांशतः हम लोग कह सकते हैं कि अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से इंग्लैंड में समाज कार्य को प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के माध्यम से व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु चलाया गया जिसे समय के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर बदलाव भी किया। जैसे विभिन्न युगों में होने वाले परिवर्तनों पर हमने देखा समाज कार्य अध्ययन की शुरुआत भी इंग्लैंड से मानी जाती है जो विभिन्न बदलावों से होकर के गुजरा और आज भी समाज कार्य शिक्षण में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखा।